दवा बिक्री के विरोध में व्यापारियों के भारत बंद का राजधानी रायपुर में मिला जुला असर देखने को मिला। दवा व्यापारी ऑनलाइन खरीद बिक्री का विरोध कर रहे हैं। दवा व्यापारियों के विरोध को तकरीबन 96 संगठनों का समर्थन भी मिला हुआ है। पूरे देश ऑनलाइन दवा व्यापार और FDI के खिलाफ कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका पूरे प्रदेश में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। राजधानी में भी सभी छोटे बड़े व्यापारियों की दुकानें बंद है। इस दौरान कोई भी अप्रिय घटना न हो, इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। व्यापारियों का कहना है कि बाहरी कंपनियों के आने से कारोबार एक बार फिर गुलाम हो जाएगा। ये रायपुर नहीं, पूरा प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान में ये स्थिति है। देखिए क्या होता है, जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं ना, वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे धीरे धीरे खुलते जाएंगे। जैसे मॉल है, मॉल ने पहले 2 बजे तक का बंद किया था, फिर 4 बजे का तक बंद किया था, क्योंकि जो कंज्यूमर है बंद है तो जो बच्चे और ये, तो हम लोग हमारा ये मैसेज जाना था कि व्यापारी समाज एकजुट है, आगे भी होगी तो लड़ाई और बड़ी हो सकती है, वो हमारा मैसेज जा चुका है। नहीं, इनके द्वारा ज्ञापन दे दिया गया है। ज्ञापन में जो मांग की गई है वो मांग शासन संबंधित है। सभी ज्ञापन को आगे भेजा जाएगा और शासन द्वारा निर्णय किया जाएगा। बंद पूरे शांतिपूर्ण है। सभी शासकीय संस्थान, ऑफिस, कार्यालय, बैंक सब खुले हुए हैं और बंद पूर्ण शांतिपूर्ण है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन दवाओं की बिक्री यानी ई-फार्मेसी को मंजूरी दिए जाने के खिलाफ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने भी राष्ट्र व्यापारी हड़ताल का आह्वान किया था। देश भर में दवाओं के वितरण कारोबार से जुड़े AIOCD के तकरीबन 8 लाख सदस्य दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। देश टीवी के लिए कैमरामैन SGNS के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर झाला छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा कर सफाई कर्मचारियों की स्थिति का जायजा लिया। प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों के हालातों की समीक्षा करने सर्किट हाउस में एक बैठक भी रखी गई थी, जिसमें प्रदेश के अफसर ही नदारद रहे, जिससे खफा होकर झाला ने बैठक ही निरस्त कर दी। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष मनहर वालजी भाई झाला छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर सफाई कर्मचारियों के कामकाजों की समीक्षा की, साथ ही कर्मचारियों के मिलने वाले वेतन की जानकारी भी ली। सफाई कर्मचारियों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें मनहर वालजी ने बताया कि कर्मचारियों को लेकर इस समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी अजय सिंह सहित DG और कई बड़े अधिकारियों को उपस्थित होना था, लेकिन कोई भी अफसर बैठक में नहीं पहुंच पाए। इस वजह से बैठक नहीं हो पाई और उन्हें बिना किसी नतीजे के वापस लौटना पड़ रहा है। रायपुर नगर निगम और नगर पालिका का हमने समीक्षा बैठक ली और दुर्ग और कि नगर निगम और नगर पालिका की समीक्षा ली। आज हमारी राज्य स्तर पर हमारी ये समीक्षा बैठक थी, लेकिन किसी कारणवश CS और DG और सीनियर लेवल के जो अधिकारी नहीं आ पाए, इस वजह से हमने ये समीक्षा इस बैठक को मौकूफ कर दिया। इसलिए कि अगर CS होते वही निर्णय ले सकते थे, हमारे डायरेक्शन हम जो देते हैं तो वही निर्णय ले सकते थे। इसी कारण को लेकर ये हमने आज का ये समीक्षा बैठक को मौकूफ कर दिया। आने वाले दिनों में हम करेंगे। देखिए, हम ये हमारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग है, उनके रिपोर्ट में सारा आता है कि जब हम जो भी बातें करते हैं वो सारा मिनट्स बनता है, तो आज नहीं हुई तो इस तरह से हमें तो रिपोर्ट करना ही है। इनके आगमन और बैठक को लेकर दिल्ली से प्रोटोकॉल जारी होने के बाद भी CA सहित DG और कोई भी उच्च अधिकारियों के शामिल नहीं होने से नाराज होकर समीक्षा बैठक स्थगित कर दी गई। बता दें कि इस बैठक में कर्मचारियों के वेतन, छत्तीसगढ़ में उनकी स्थिति के साथ लगातार हो रही मौतों के बारे में चर्चा होनी थी। देश टीवी के लिए कैमरामैन SGNS के साथ कुलभूषण सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस ने आधी आबादी पूरा हक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से महिलाओं को उनके अधिकारों से परिचित कराने और उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट कामों की सराहना की गई। कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को हक दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस ने इस मुहिम की शुरुआत की है, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ से की गई। इसे आगे चलकर ये पूरे देश में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने AICC सचिव और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावारू भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अलग अलग क्षेत्रों में पहचान बनाने वाली महिलाओं का सम्मान भी किया गया। आज आधी आबादी पूरा हक भारतीय युवा कांग्रेस का कार्यक्रम है, जो हमारे नौजवान महिलाओं के साथ कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम सारे देश में हम कर रहे हैं और आज इसमें इसका छत्तीसगढ़ का शुरुआत हुआ है। इस कार्यक्रम से ये बताना चाहते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के हक
पूरी तरह समान नहीं हैं और हम चाहते हैं कि महिलाओं के साथ मिलकर आवाज़ उठाएं ताकि ये समानता जल्द से जल्द आ पाए। भारतीय युवा कांग्रेस का मुहिम है और ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के टीम ने आयोजन किया है। ये जो लड़कियाँ यहाँ से आई हैं ये सारी छत्तीसगढ़ से आई हैं और मेरे को उम्मीद है कि ये पूरा कार्यक्रम के बाद अपने अपने क्षेत्र में जाके अपने हक के लिए और उसे लड़ेंगे। इंडियन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी का 26वां वार्षिक अधिवेशन की शुरुआत गुरुवार को राजधानी में हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के हाथों इस अधिवेशन की शुरुआत हुई। 27 से 30 सितंबर तक पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये अधिवेशन चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने गुरुवार शाम राजधानी के न्यूरोलॉजिस्ट चिकित्सकों और वैज्ञानिकों के 4 दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन IANCON 2018 की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि न्यूरोलॉजिस्ट के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन रायपुर में किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के 1400 न्यूरोलॉजिस्ट शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में शामिल हो रहे सभी चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस नए राज्य ने गठन के बाद 18 वर्षों में छत्तीसगढ़ पिछड़ेपन, पलायन और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी चुनौतियों से उबरकर आज देश में तेजी से विकसित हो रहे राज्य की पहचान बनाने में सफलता पाई है। दंतेवाड़ा जैसे धूर नक्सल प्रभावित इलाके में 26 चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहां के जिला अस्पताल में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर प्रदेश में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर कम करने पर स्वास्थ्य सेवा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया। मुखिया ने कहा कि प्रदेश में कुपोषण की दर 55% से घटकर 32% हो गई है। माता के सुपोषित होने से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के सूचकांक में भी काफी सुधार हुआ है। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने न्यूरोलॉजी पर प्रकाशित अनेक प्रकाशनों का विमोचन भी किया। देश टीवी के लिए निखिल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा 10 दिवसीय छात्र संपर्क कार्यक्रम का समापन शुक्रवार को किया गया। इस अवसर पर कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मिर्जा एजाज बेग और उनके अलावा अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। समापन अवसर पर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षित बच्चों का सम्मान किया। इस अवसर पर मंत्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 522 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया है। पत्राचार के माध्यम से बच्चे आगे की पढ़ाई और क्षेत्र में और आगे बढ़ गए हैं। आज सरकार ने आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने प्रदेश के सभी मदरसों को अत्याधुनिक करने में पीछे नहीं है। यही कारण है कि अब मदरसों के बच्चे भी आने वाले समय में कई बड़े पदों पर आसीन होंगे। से पत्राचार पाठ्यक्रम में और बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं मुस्लिम समाज के, और इसके माध्यम से वो तालीम हासिल कर और डिग्री भी प्राप्त कर रहे हैं, वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर रहे हैं। इससे हमारे मुस्लिम समाज में तरक्की आएगी, बेहतरी आएगी और आधुनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा पत्राचार परीक्षा का संपर्क कार्यक्रम का समापन था। साथ ही हमारे रायपुर शहर से 10वीं और 12वीं में 166 बच्चों ने मदरसा बोर्ड के पत्राचार परीक्षा में भाग लिया है और पूरे छत्तीसगढ़ में 522 बच्चे ने भाग लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा पहले आर्ट्स की एक विषय की 12वीं में पढ़ाई की जाती थी और कोर्स किया जाता था। इस वर्ष से हमने आर्ट्स के साथ साथ कॉमर्स और साइंस, ये दो कोर्स जोड़े हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अच्छा लाभ छात्रों को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड की कोशिश है कि मदरसों के माध्यम से आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारे जो मदरसे चल रहे हैं 1 से 8 तक, उन्हें भी अच्छी शिक्षा मिले। और जाते जाते एक नज़र खबर की सुर्खियों पर। रेल राज्य मंत्री के हाथों बस्तर को मिली एक बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री बोले, रेल मार्ग से खुलेंगे विकास के दरवाजे। भूपेश ने भाजपा और सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भाजपा ने कांग्रेस को बताया मुद्दा विहीन पार्टी। कैट के भारत बंद का रहा रायपुर में आंशिक असर। पदाधिकारियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। और न्यूरोलॉजी अधिवेशन का डॉक्टर रमन सिंह ने किया शुभारंभ। 1500 प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट रखेंगे अपनी बात। देश टीवी के सभी कार्यक्रम और समाचार देख सकते हैं आप हमारे YouTube चैनल पर भी। प्रतिदिन समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।